ग्वालियर की भितरवार विधानसभा सीट से कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे राघवेंद्र सिंह तोमर उर्फ गुड्डू भैया को पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से इलाके में राघवेंद्र को लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि वो चुनावी मैदान में जरूर उतरेंगे। दरअसल राघवेंद्र तोमर जिस भी गांव में जा रहे हैं, लोग उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस व्यक्ति ने बिना स्वार्थ के इलाके में विकास कार्य कराए हैं, लोगों की पानी की समस्या हल की है, ऐसा व्यक्ति अगर उनका जनप्रतिनिधि बनता है तो क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। राघवेंद्र सिंह तोमर के इलाके में बढ़ते रुतबे से दूसरे दलों के दावेदार परेशान हैं। राघवेंद्र सिंह तोमर लोगों से साफ कह रहे हैं कि वो अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, बल्कि जिसे जनता अपने लायक समझे उसको वोट देकर जीत दिलाए। सर्वप्रथम मैं यहाँ रानी घाटी प्रांगण में भगवान राम राजा के दरबार में खड़ा हूँ। अंगूठा तो अपने भविष्य को तौल के सोच के देना वोट, जिसको भी वोट दो, मैं हो या दूसरा हो, इतनी अच्छी बात कोई नहीं बोलेगा नेता। मैं ये नहीं कह रहा इस मंच से कि मुझे ही वोट दो कि मैं बहुत सोने का बना हुआ हूँ, मैं नहीं बना सोने का, लेकिन जो आपको लगे कि ये हमारे आगे चलेगा, ये हमारा प्रतिनिधि बनने लायक है, ये हमारे सुख दुख में हमारा साथ देगा, उसको चुनो। जो आपके हमें भरे पेट के चुनो, जो अभी आज हम यहाँ खड़े इतनी गर्मी में और भगवान को दोष देते हैं कि हे भगवान तू पानी नहीं बरसा रहा।